हे एवरी वन आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फूड रिजर्व्स इन एम्ब्रियोसेक लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि एनजीओ स्पम के एम्ब्रियोसेक में जो फूड होता है वो स्पोरोफाइट से लेता है क्योंकि उसके गैमिटोफाइट बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है लेकिन कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि एम्ब्रियोसेक में भी फूड होता है तो देख लेते हैं तो जब एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा स्टार्च ग्रेन उसमें स्टोर हो जाता है और जब एंडोस्पम और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो ये सारा के सारा यूटिलाइज हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है एम्ब्रियको और एम्ब्रियो को फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए एम्ब्रियो में एक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जिसको हम कहते हैं हॉस्टोरिया ये फूड का एब्जॉर्पन करता है ओवरी से प्लेसेंटा से और स्टाइल से तो ये ओवरी प्लेसेंटा स्टाइल स्टाइलर टिश्यू से अपना फूड एब्जॉर्व करता है इसके अलावा स्टार्च के अलावा इसमें फैट भी देखा गया है एम्लियोसेक में और ये फैट पोलन ट्यूब से आता है और ये एपरेटस में जाकर एक्यूमिलेट हो जाता है और इसके अलावा ये पोलर फ्यूजन न्यूक्लियस के पास एक्यूमी हो जाता है तो इस तरीके से जो फीमेल गैमिटोफाइट में फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आगे जाकर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में और फर्टाइल सीड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं तो आज की वीडियो में बस यही था थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज